दोस्तों इंटरनेट एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है जिसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन समाई हुई है और आजकल की इंटरनेट कनेक्टेड दुनिया में चाहे आपको अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना हो या इम्पोर्टेंट मेल भेजनी हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिपेंड हो उस मशीन पर जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव या सेंड करने में मदद करती है, मतलब आपका कंप्यूटर या मोबाइल, तो क्या होगा जब ये कंप्यूटर ही काम करना बंद कर दे, मतलब यूजेबल ना रहे? तो भैया परलय आ जाएगी परलय। 12 मई 2017 दिन था शुक्रवार। ऐसा ही एक घातक नजारा दुनिया ने 2017 में देख लिया है, शायद आपने भी सुना हो, कुछ याद आएगा भी। WannaCry रैंसम वायरस जिसने पूरी दुनिया में करीब 3 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था, बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल ने इस मालवेयर अटैक के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और अभी तक लोग हिसाब नहीं लगा पाए कि इससे कितना नुकसान हुआ था। अगर इसे फैलने से ना रोका जाता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और इसी के बीच एंट्री होती है एक हीरो की जिसने इस अटैक को रोक दिया, उसकी जड़ें उखाड़ दी। और वो कोई और नहीं, वो भी एक हैकर ही था जिसका नाम था मार्कस हचिन। ये वही लौंडा है जिसने इस पूरी दुनिया को एक ऐसे गंदे वायरस से बचाया था जिसको रोक पाना नामुमकिन था। उसने इस वायरस को तो खत्म कर दिया पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके ऊपर खतरा मंडराने वाला है, एक ऐसा खतरा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। Marcus Hutchins was arrested at a hacking conference in Las Vegas and he could face up to 40 years in prison if he's convicted. FBI ने एक हीरो को जीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके ऊपर 10 केस हैकिंग के चला दिए जिसमें से एक था क्रोनोस बैंकिंग मालवेयर को फैलाना। दोस्तों क्या वो हीरो था या एक क्रिमिनल, आगे सुनते जाओ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि इस एपिसोड का नाम है फाड़ू एपिसोड 5। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक हैकिंग टूल बनाया था जिसका नाम था इटर्नल ब्लू, जिसमें वो विंडोज में एक लूप होल का फायदा उठाकर किसी भी कंप्यूटर में कोड रन कर सकता था। जब NSA को ये पता चला कि उनका वो हैकिंग टूल चोरी हो गया है तो NSA ने माइक्रोसॉफ्ट को इसके बारे में जानकारी दे डाली। मार्च 2017 NSA के चेतावनी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी अपडेट्स अवेलेबल करवा दिए थे पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 12 मई 2017 उस लूप होल का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने, मतलब हैकरों ने, WannaCry नाम का एक वायरस फैलाना शुरू कर दिया था जो कि एक रैंसमवेयर मालवेयर था और ये वायरस ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने लग गया, वो भी अनइमेजिनेबल स्पीड से। वो वायरस करता क्या था, कंप्यूटर्स की फाइल को इंक्रिप्ट कर देता था, मतलब लॉक कर देता था और हैकर्स उन फाइल्स को अनलॉक करने के लिए करीब $300 बिटकॉइन के रूप में मांगता था। कई लोगों ने तो उन्हें बिटकॉइन दे भी डाले पर उन्हें उनका डेटा वापस नहीं मिला। WannaCry ने तो सचमुच लोगों को क्राई करने पर मजबूर कर दिया था। बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और हॉस्पिटल्स जो तब विंडोज का आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहे थे और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया था, उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा। इंग्लैंड में करीब 39 हॉस्पिटल्स को अपने ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े और पेशेंट्स को घर भेजना पड़ा चाहे उनकी जैसी भी हालत थी। WannaCry बहुत ही स्पीड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े हैकर्स ने इसके ऊपर काम किया पर किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा कि इससे कैसे बचा जाए। पर तभी एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम मार्कस हचिन्स था। उसे जब इस वायरस के बारे में पता चला तो उसने अपने एक फ्रेंड से इस मालवेयर का सैंपल मांगा और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया ताकि इसकी वैक्सीन को बनाया जा सके। वो लगातार 3 दिनों तक बिना सोए इंटरनेट पर लोगों की मदद कर रहा था। उसने दिन रात इस पर रिसर्च की ताकि इस वायरस को खत्म किया जा सके। रिसर्च करते करते उसे ये पता चला कि जब ये वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता था तो ये एक एक्सेस रिक्वेस्ट भेजता था एक ऐसी वेबसाइट पर जो रजिस्टर नहीं थी और रजिस्टर ना होने की वजह से उस वायरस को उस वेबसाइट की एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। और उस वायरस की कोडिंग इस तरह से हुई थी कि अगर उसको एक्सेस नहीं मिलेगी तो वो कंप्यूटर की सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब लॉक कर देगा। जब मार्कस ने उस वायरस के कोड पढ़े तो उसे एक ऐसे URL के बारे में पता चला जो कि किसी के नाम भी रजिस्टर नहीं था। तो उसने 2 सेकंड नहीं लगाए और उसने वो URL और वेबसाइट अपने नाम रजिस्टर करवा ली, मतलब वो डोमेन अपने नाम रजिस्टर करवा लिया, जिसके बाद तो जैसे कि चमत्कार हो गया। सारे अटैक्स शांत हो गए क्योंकि WannaCry को वेबसाइट की एक्सेस मिलनी शुरू हो गई थी और रातों रात मार्कस एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया, हीरो बन गया। पर ये फेम उसे किस मुसीबत की ओर लेकर जा रही थी उसका अंदाजा खुद मार्कस को भी नहीं था। जी हाँ, उसके पास्ट में किए गए हैकिंग्स का पता FBI को चल गया और जब वो अमेरिका से इंग्लैंड वापस अपने घर जा रहा था
तो FBI ने उसे एयरपोर्ट से ही उठा लिया और उसे क्रोनोस बैंकिंग मालवेयर के बारे में पूछताछ करने लग गए, जिसका कोड उसने 2014 के आसपास बनाकर किसी और हैकर को बेच दिया था। पर उसने जिसको बेचा था, उस हैकर ने उस कोड की मदद से एक बैंकिंग वायरस बना दिया। FBI लगातार मार्कस से उस हैकर के बारे में पूछताछ कर रही थी जिसको उसने वो कोड बेचे थे, लेकिन मार्कस को ये सच में नहीं पता था कि वो हैकर कौन है, क्योंकि वो कोड नेम्स में बात किया करते थे और मार्कस से ये गलती उसके बचपने में हुई थी। अगर किसी को नहीं पता तो क्रोनोस वायरस एक ट्रोजन वायरस था जिसका मेन टारगेट ब्रिटिश बैंक्स थे और इस वायरस से लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड चुराए जाते थे, वो भी छुपके से बिना किसी को पता चले। मार्कस अब अमेरिका के अंदर FBI की जेलों में रातें काट रहा था। उसके पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद उसके सपोर्टर्स ने $30,000 बेल राशि जमा करवा कर उसकी जमानत तो करवा दी, पर ना तो वो अमेरिका छोड़कर जा सकता था और ना ही वहां पर काम कर सकता था। तो उसने वो अगले 18 महीने लोगों द्वारा आई गई डोनेशन से ही काटे। और जब उसके वकीलों ने उसका केस लड़ने के लिए ये कहा कि तुम्हारा केस लड़ने के लिए करीब $1 million से $1.5 million खर्च होंगे, तो उसके पास पैसा न होने की वजह से उसने गिल्टी प्लीड करने का फैसला लिया और दो जुर्म कबूल लिए। जुलाई 18, 2019 क्रोनोस वायरस क्रिएट करने और उसका कोड बेचने पर उसकी कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी जिसमें उसको करीब 10 साल की सजा होनी थी, पर जज साहब ने उसके पास्ट में किए गए सिर्फ जुर्म को ना देखते हुए उसके अच्छे कामों की भी तारीफ की और उसकी सजा को पूरा मानकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। वानाक्राई वायरस ही था जिसकी वजह से वो FBI की नजर में आया और वहीं वानाक्राई की वजह से ही जज साहब ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि उसने इस पूरी दुनिया को बचाया उस वायरस को जड़ से उखाड़ के। गाइस, अब कुछ राज सामने आने वाले हैं। NSA जो एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो खुद लोगों के कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी ब्रीच कर रही थी, और एक राज की बात बताऊं, इसी अमेरिका की NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की वजह से वानाक्राई अस्तित्व में आया था। इसको पैदा करने वाले भी यही लोग हैं। मेरे दिमाग में ना पता नहीं एक बात क्यों बार बार आ रही है, ये आपको कहीं भी लिखा पढ़ा या कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और ये मेरे ओपिनियन है। क्या इस वानाक्राई वायरस को सिर्फ इसीलिए तो नहीं फैलाया गया कि बिटकॉइन की वैल्यू को बूम किया जाए? हो भी सकता है, पर मैं यकीन करता हूं। बताता हूं कैसे। मई 2017 नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से वो हैकिंग टूलकिट लीक होता है और वानाक्राई की एंट्री हो जाती है। उसमें बिटकॉइन मांगे जाते हैं जिसके बारे में तब जिसको पता भी नहीं था कि बिटकॉइन होता क्या है उसे भी पता चल गया, और तभी दिसंबर 2017 में बिटकॉइन $19,000 तक पहुंच जाता है, जो कि करीब उसके कुछ ही महीने पहले मई 2017 में सिर्फ $1,800 का था। दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपना दिमाग चलाया, आप भी थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि ये हो क्या रहा है। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, बाकी आप समझदार हो। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस वेबसाइट जिस डोमेन को मार्कस ने अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था वो अगर आज भी बंद हो जाए, यानी कि वो वेबसाइट, तो वायरस फिर से फैलना शुरू हो जाएगा अगर किसी के कंप्यूटर में आउटडेटेड विंडोज है तो। अब मुझे आप बताइए कि आपकी नजरों में मार्कस हीरो था या एक क्रिमिनल, वो तो आप नीचे कमेंट में बता दोगे, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल बड़ा ही उलझा हुआ और खतरनाक है। पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,60,000 लाइक्स। मुझे चाहिए इसके ऊपर, हक से मांग रहा हूं आपसे, ठोको लाइक। तो ये रहा वो सवाल, वो क्या है जो भगवान से भी बड़ा है, जो शैतान से भी दुष्ट है। अमीर लोगों को वो चाहिए, पर गरीब लोगों के पास वो पहले से ही है, और अगर आपने उसे खाया तो आप मर जाओगे। बताओ, आज का ये बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछा है मैंने आपसे, तो इसका आंसर भी बड़ा खतरनाक होने वाला है। अगर सवाल का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है, जाकर देख लीजिए। और आप इस सवाल का जब उत्तर देखोगे तो आपका बुरा हाल होने वाला है। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक किया तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।